स्टूडेंट के रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद कोर्सेज के अंदर जाना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करके कोर्सेज में, तो ये कोर्स शो हो रहा है। इस कोर्स में लर्नर पे जाना है, तो यहाँ नीचे सेटिंग्स एडिट एंड ये एनरोल लर्नर लिखा है 10, उसके नीचे ये लर्नर का आइकॉन है, तो उस पर क्लिक करना है लर्नर। तो यहाँ पर सारे लर्नर्स की डिटेल्स दिख जाएगी, तो किसी भी लर्नर का यानी स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर टाइम है, प्रोग्रेस है, ये सारे। तो कंप्लीट रिपोर्ट में जाएंगे, तो जैसे ये इसको ओपन करते हैं तो ये मिनट और ये प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट किया है इन्होंने 29 मिनट के अंदर। तो इस पे आई बटन पे क्लिक करेंगे एक्शन के अंदर व्यू डिटेल्स, तो हमें यहाँ पर डिटेल दिख जाए। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस टेस्ट उन्होंने दिया है वो उसका है। लाइव टेस्ट अलग से करवा सकते हैं, ये अभी प्रैक्टिस टेस्ट जो 20 क्वेश्चंस का है, तो उसके उन्होंने जो भी आंसर लिखा है और करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन करेक्ट है, ये पूरी उनकी डिटेल्स हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसको अटेम्प्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं करना है, यहाँ पर उनकी दिखेगी, बैक करेंगे या यहाँ से क्लोज करेंगे तो वापस हमें ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, दूसरे लर्नर की हम देख सकते हैं। इस तरीके से सारे लर्नर यहाँ पे शो हो जाएंगे।